फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी गार्डनिंग बताऊंगी जो आपकी मिट्टी की झंझटी ख़त्म कर देगी। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कटिंग से लेके बड़ा प्लांट लगाने तक का वीडियो दिखाऊंगी। तो पूरी जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो को देखें अंत तक। पहले मैं ये प्लांट सबको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ग्रो हुआ है, और उसके बाद मैं दिखाऊँगी इसको कैसे लगानी है कटिंग्स को, ताकि इतने अच्छे से रूट आ पाए, वो भी बिना मिट्टी का। तो आप लोग देखिए कैसे बिना मिट्टी का इतने अच्छे से रूट आए हैं, वो भी भर भर के रूट आए हैं, और पूरी अच्छी तरह से आए हैं कि ये बड़ा पॉट में लगाने के लिए तैयार है। जैसे 8 इंच 10 इंच पॉट के लिए बिल्कुल तैयार हो गया ये पौधा, इतने इसमें रूट आ गए हैं। इस तरह से आप अगर प्लांट लगाते हैं तो एक तो आपका मिट्टी का झंझट खत्म हो जाती है, और दूसरा कारण आपके जो छत के ऊपर लोड पड़ते हैं, वजन पड़ते हैं, वो काफ़ी कम जाएंगे अगर आप इस तरह से गार्डनिंग करें। वैसे भी हम जो गार्डनर्स हैं, हमें हमेशा मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, और हमेशा मिट्टी मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो काफ़ी महंगी मिलती है, बोरी का हिसाब से मिलती है। साइकिल में लेके जो घूमते हैं बोरी के हिसाब से देते हैं मिट्टी, तो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। और हम जो छत पे गार्डनिंग करते हैं, जो टेरिस गार्डनिंग करते हैं, उनके लिए हमारे लिए मिट्टी का मोल बहुत है, क्योंकि मिट्टी हमेशा नहीं मिलती है, और हमेशा कुछ ना कुछ नया पौधा हमें लगानी होती है। तो पौधा तो मिट्टी में ही लगती है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ इससे आपको मिट्टी की झंझट ख़त्म हो जाएगी। आप बिना मिट्टी का पूरे प्लांट आप लगा सकते हैं। अब आप ये जो कटिंग्स रेडी हो गए हैं, इसको आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं, गोबर के खाद और पत्तियों के खाद के सहित, या तो आप सिर्फ मैं जो बता रही हूँ कूट और अंडे का कार्टन, उसमें भी आप लगा सकते हैं। ये जो कूट है उसके ऊपर जो एक प्लास्टिक रहती है ऐसी, उसको निकाल देनी है, उसको बिल्कुल नहीं डालनी है, उससे प्लांट ख़राब हो जाएगी, जड़ ठीक से चल नहीं पाएंगे। ये कार्टून में मैं लगा के दिखाऊंगी, कागज़ कार्टून आप कुछ में भी लगा सकते हैं प्लांट को। और जो मैं कटिंग्स लगाई थी पहले, उसको मैं अंडे का जो कार्टन होता है उसी को भिगो के रात भर रख देना है, उसी में लगानी है, उसका मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले मैं इसको लगा लेती हूँ प्लांट को। तो प्लांट को मैं सिर्फ कागज़ से ही लगाऊंगी। देखिए कागज़ को मैं छोटे छोटे टुकड़ा कर ली हूँ, आप चाहें तो इसको भिगो के इस्तेमाल कर सकते हैं। भिगो के इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी नरम हो जाएगी, और इसको पॉटिंग करने में आसानी होगी। तो देखिए मैं एक कागज़ से इसको लगा ली हूँ, और ये इतनी हल्की है, अभी पानी नहीं है इसलिए हल्की है, पानी जाएगी तो थोड़ी सी वजन आ जाएगी इसमें। तो ये छत का भी लोड कम करता है, अगर आप छत पे गार्डनिंग करते हैं, और मिट्टी का एक जो चिंता रहती है हमें, वो भी कम करता है। तो इसमें भी आप पूरे गार्डनिंग कर सकते हैं। मैं लगा के इसमें पानी डाल दी हूँ, और इसमें खाद वगैरह अगर चाहिए होगी तो मैं बाद में डालूंगी। अगर इसी में फूल खिल जाए तो मैं कोई खाद नहीं डालूंगी, अगर देखूंगी फूल नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगी, इसमें रेड पोटाश डालूंगी और एप्सम सल्ट थोड़ी सी डालूंगी इसके पत्तियों को हरा रखने के लिए। और रेड पोटाश आप डाल सकते हैं इसके फ्लावरिंग के लिए, चाहे तो आप अगर ऑर्गेनिक डालना चाहते हैं तो प्याज का छिलका और केले का छिलके का भिगोया हुआ पानी इसमें 20 दिन बाद बाद डाल सकते हैं। ये मैं बहुत सारे कटिंग्स तैयार की हूँ, सिर्फ अंडे का जो कूट होती है जिसमें अंडा आती है उसी में। तो ऐसे आप प्लांट को लगा सकते हैं, बड़े पौधे को भी। ये देखिए अब मैं दिखा रही हूँ मैं जब कटिंग्स लगाई थी कैसे लगाई थी। ये जो अंडा का कार्टन आते हैं जिसमें अंडे आते हैं, अंडे खा लेते हैं तो ये कार्टन आखिर फेंक देते हैं, इसको ना फेंक के आप गार्डनिंग में इस्तेमाल करें। मैं इसको अभी भिगा देती हूँ, थोड़ी देर में ये फूल जाएगी। अगर आप चाहे तो इसको रात भर फूलने के लिए रख दें, रात भर फुलाने से ये अगर 24 घंटा तक आप फुलाएंगे तो ये अच्छे से आराम से टूट जाएगी और बिल्कुल बारीक हो जाएगी, तब आपको प्लांट लगाने में बिल्कुल आसानी होगी। ये जो है मैं पहले 2 से 3 घंटा पहले भिगाई हूँ, तभी ये इतने अच्छे से टूट रहे हैं। अगर रात भर भिगो देंगे तो और अच्छे से ये टूटेगी और बिल्कुल ही बारीक बन जाएगी। हाँ, ये रात भर भिगो के रखने से थोड़ी सी इसमें से बदबू आती है, तो बदबू के लिए आप इसके पानी को निचोड़ के फेंक दें, फिर आप इसमें कटिंग्स या पौधा लगा दें या बीज लगा दें, और इसमें आप सादा पानी डाल सकते हैं, सादा पानी डालने से भी चल जाएगी। लेकिन मैं इसके जो पानी है इसको फेंकी नहीं हूँ, ये पानी के सहित ही लगाई हूँ, जैसे भिगो के रखी थी। मैं रात भर नहीं भिगोई थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा भिगाई थी, उसी में ये अच्छे से टूट गए हैं। और ये मैं कुछ ही देर पहले भिगा के रखी थी, आधा घंटा पहले, तो भी ये अच्छे से भीग गई है। इसी में मैं गेंदे का कटिंग्स लगाई हूँ बहुत सारे। अब मैं आपको दूसरे कटिंग्स लगा के दिखाऊंगी इसी मीडिया में। ये जो अंडे का कार्टन है इसको भिगो लेना है, आप रात भर भिगो लेंगे तो और अच्छा है। मैं ज़्यादा देर नहीं भिगाई थी, और इसमें से रात भर भिगो के रखने से बदबू आती है, क्योंकि मैं दूसरे प्लांट में रात भर भिगो के लगाई थी बड़े प्लांट में, तो उसमें थोड़े बदबू आते हैं। तो आप हो सके तो 6 से 7 घंटा भिगो ले, उसके बाद आप कोई भी प्लांट इसमें या बीज लगा सकते हैं। मैं
गुलदाउदी लगा दी हूँ एक, और ये पुदीना है, पुदीना को लगा दी हूँ। पुदीना को सुबह तोड़ के रखी थी इसीलिए थोड़े मुरझा गए हैं, लेकिन इसमें आने से अच्छे चल जाएंगे। इसमें अच्छे से पानी रुकता है, ये जो मीडिया है अंडे का जो कूट है उसमें अच्छे से इसमें पानी पकड़ के रखता है। ये मॉस रोज है, इसको भी लगा सकते हैं आप लोग, बीज भी लगा सकते हैं। बीज लगाने के लिए जो भिगाएंगे आप इसके कूट को, थोड़ा इसको आप निचोड़ के पानी फेंक दें, फिर बीज को लगाएं और आप सादा पानी डाल दें ऊपर से अपने। तो फ्रेंड्स, ऐसे कूट या कार्टन आप फेंक ना दें, इसी में प्लांट लगाएं और मिट्टी की चिंता छोड़ दें, और इसमें आराम से प्लांट चलते हैं। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।